और हार्डवर्क और टैलेंट एक साथ हो जाए। तो हम ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत आप लोगों का रोड टू प्रो कार्ड के एपिसोड नंबर 2 में। तो हम ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बाद। थोड़ा सा टाइम हो गया था क्योंकि अब प्रेप स्टार्ट हो गया, तो उससे पहले पता होना जरूरी है कि हमारी बॉडी अंदर से है कैसी। इस ब्लड टेस्ट में बस एक ही दिक्कत है, जब सुई बाहर निकलती है ना तब ऐसा होता है थोड़ा दर्द। छोड़ू एक छोड़ता बस। ज्यादा ही खून देना पड़ता है भाई। तो भाइयों, ब्लड टेस्ट कराने के बाद हम निकल चुके हैं हमारे नए वाले जिम में पश्चिम बिहार में, फिर उसके बाद आएंगे अपने द्वारका वाले जिम में। दबाओ। ओ, हाथ गंदा हो जाएगा, देख रहे हो भाइयों। ये है मेरे अनार, ये है मेरी चम्मच, ये है मेरी पानी की बॉटल, और ये हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ। और ये है तुम्हारा पति जिसके बाइसेप्स बहुत बड़े हो गए और बहुत तगड़ा हो चुका है। पति आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग भाइयों एक बहुत टफ गेम है। मतलब नॉर्मल क्या होता है कि इंसान अच्छी डाइट लेता है, अच्छा वर्कआउट करता है, अच्छी सप्लीमेंट लेता है। बॉडी बिल्डिंग में बहुत चीज़ें अलग हो जाती है। जैसे आज मैंने ब्लड टेस्ट कराया, फिर साइकिल स्टार्ट होएगी। ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल भी लोग चलो कराते हैं, बट बाकी की बहुत चीज़ें डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं अलग। बट ये चीज़ है ना, मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि इससे है ना, मतलब एक गोल होता है मेरे पास कि मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न क्या है। तो अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो ना, तो आप अपना एक गोल सेट करो कि आप बना क्यों रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बढ़िया वर्कआउट कर ली कल छोड़ दी। एक गोल सेटअप करो, जैसे आपको एब्स निकालने हैं, ठीक है, तो आप गोल बना लो कि जब तक मेरे एब्स नहीं निकलेंगे मेरा हर दिन अपनी बॉडी को जाएगा। आजकल भाइयों चीजें कितनी फास्ट हो चुकी है। लगभग 3 घंटे पहले ब्लड टेस्ट कराया था और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट देख के दिल खुश हो गया क्योंकि तुम्हारा भाई अंदर से बिल्कुल सही है। और जब भी मैं प्रेप स्टार्ट करता हूँ उससे पहले हमेशा अपनी ब्लड टेस्ट हमेशा कराता हूँ, इवन बीच में कराते रहता हूँ। बट अब जरूरी रहा, आपको यहाँ पर अपने भाई की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट दिख जाएंगे, और जो कि आज सुबह हुई थी। मेरे को लग रहा ना थोड़ी बहुत चीज़ें तो गड़बड़ हो रखी होगी, पार्टी वार्टी बहुत कर रखी थी, बट नहीं, तुम्हारे भाई की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही तकड़ी है। इसी बात पे एक ब्लैक कॉफी हो जाए। चेयर्स। भाइयों हम जा रहे हैं मुकेश सर के पास वर्कआउट करने। बहुत तगड़ा हो गया तुम्हारा भाई, कपड़े भी फिटिंग आने बंद हो गए हैं। बट उससे पहले सोनिया का कॉल आता है कि मेरे को पहले जिम में ड्रॉप करो, उसके बाद जाना करने। तो हमने बोला ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते बीबी के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो भाइयों निकल चुके हैं वर्कआउट करने, सोनिया को ड्रॉप कर दिया है, और गिव अवे दे देते हैं पहले भाई को। तो मैंने बोला था कि मैं रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा, जो मन में आया आंसर लिख देना। यहाँ पर कोई लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं हो रहा कि आपको कुछ लॉजिक ही देना है। तो मैंने ऐसे स्क्रॉल किया और जिस भाई का कमेंट आया उसको यहाँ पर कमेंट दिख रहा होगा। भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आपको मैं अपना एड्रेस दे देना, मैं आपको एक बढ़िया सप्लीमेंट भेज दूंगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है गिव अवे के लिए, वो आपको वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा, और फिर अगली वीडियो में एक रैंडम भाई को हम अपना एक सप्लीमेंट गिव अवे कर देंगे। तो हर वीडियो में गिव अवे होगा, क्यों? क्योंकि भाइयों का प्यार है, सपोर्ट है, इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। और ये मत सोचना कि कोई लॉजिकल आंसर ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि सबके आंसर बढ़िया होते हैं भाई, मैं कुछ लॉजिक थोड़ी ढूंढ रहा हूँ उसमें। अब जैसे आज मैं एक क्वेश्चन सोच के बैठा हूँ, अब मैं ये थोड़ी है कि मैं यही बोलूँगा इसका कोई परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जो मन में आए लिख दो। पहुँच गए हैं वर्कआउट करने मुकेश सर के पास, और यार इतना प्यार करते होगा अपने भाई से, जो 1 मिलियन आपने
अपना भाईचारा बना दिया इंस्टाग्राम पर, हमारी 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और केक खिलाया था मैंने आप लोगों को पर आपने खाया नहीं, वो वर्चुअली था, पर कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप लोग जिम आओगे ना अपने तो आ जाना, भाइयों को कॉफ़ी ज़रूर पिलाऊंगा। और हैप्पी होली भाई, वैसे तो चली गई है पर हमने ली थी ये पिचकारी विचकारी। आप बताओ भाई कैसी रही होली आपकी? अब तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान है बॉडी बिल्डिंग पर, एक ये लास्ट साल भी हो सकता है, और क्या पता भाई पूरी जिंदगी भी करे, सब डिपेंड करता है मेरे पे आपके दिन से। प्री वर्कआउट नहीं लिया था, आज मन कर गया लेने का, और प्री वर्कआउट भाई बिग मसल ने कुछ लॉन्च किया है, मतलब कहने की बात है, यह है बिग मसल न्यूट्रिशन का कार्नेज किंग ऑफ प्री वर्कआउट्स। एक्चुअल में यह बिग मसल का बेस्ट प्री वर्कआउट है आज तक का, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको स्ट्रेंथ पावर पंप चाहिए और इसमें ज़्यादा आपको नींद भी ख़राब नहीं होती आपकी, और आप में मतलब एनर्जी फोकस बना रहता है एक लेवल पर, यह नहीं है कि प्री वर्कआउट पिया फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो गए ढीले से। और ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है सेक्स ऑन द बीच, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना, एक बढ़िया प्राइस में बेस्ट प्री वर्कआउट बिग मसल्स न्यूट्रिशन का कार्नेज। तो भाइयों आज कर रहे हम चेस्ट वर्कआउट, और मैं सच बताऊँ ना आज मेरा मन नहीं है वर्कआउट करने का, पर मेरे को इतना भी पता है कि जब मैं करने लगूंगा तो आज मेरा बेस्ट वर्कआउट होगा। होता है ना आप लोगों के साथ भी कि मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, पर उस दिन आप करोगे ना, उस दिन वर्कआउट देखना बेस्ट कर पाओगे, थोड़ा मत करो वर्कआउट को। तो भाइयों आज का गिव अवे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है इंडिया में मेंस फिजिक इतना पॉपुलर क्यों है? अपना ओपिनियन दो कमेंट में, फिर से रैंडमली कमेंट चूज कर लूँगा, और नेक्स्ट एपिसोड में एक भाई को विनर अनाउंस रैंडमली चूज करूँगा, और लाइक करके जा रहा भाइयों, लाइक ज़रूरी है, सपोर्ट कैसे दिखाओगे अपने भाई को, तब तुम्हारा भाई तगड़ी बेंच प्रेस कैसे मारेगा, लाइक करोगे तभी तो मारोगे। तो हम पहुंच चुके हैं भाई 100 किलो की बेंच पे, यार आज भड़क है बॉडी में, जो प्रोफेशनल एथलीट है ना वो समझ सकते हैं कि बॉडी में पेन क्यों होता है, पेन आज बॉडी में जैसे नहीं होता बुखार में हो जाता है उस टाइप का फील हो रहा है, पर फिर भी लगे हुए भाई क्यों? जितना वेट मुझसे आना चाहिए ना वो मैं उठा नहीं पा रहा आज, और ये सोच के अच्छा नहीं लग रहा। सर मेरे को ये बता देते हैं कि मेरा फ्रेम अच्छा, पर ये भी बता देते हैं कि मैं मेहनत तो नहीं करता इसलिए कुछ नहीं हो रहा, सच्चाई है। अब बता दो सर अब तय एक,
अगर मेहनत नहीं होगी ना तो अच्छे भी जेनेटिक्स काम नहीं आएंगे, तो ये फील मेरे को भी हो रहा है। मेहनत बहुत कम है मेरी। हाँ, और हार्डवर्क और टैलेंट एक साथ हो जाए। लगा मुझे 9 से ऊपर मुझे नहीं है। चल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या बात, चल चल 8, 9 मुझे नौ का ही आइडिया था। ये अपना एक्सपीरियंस दस भी नहीं आता। नेक्स्ट कर रहे हैं हम केबल क्रॉस। इतना दर्द हो रहा बॉडी में, ये भी नहीं पता चल रहा कि वेट भी अलग अलग डाल रखा है। आज भाइयों 9 के बराबर पंप है, मतलब नॉर्मल रहती है, उससे भी कम बॉडी लग रही है। पर कोई बात नहीं यार, हो जाता है, इट्स अ फेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। कल बहुत तगड़ा पंप आया था, आज आया नहीं। तो भाइयों अब कर रहा हूँ इंक्लाइन प्रेस। ठीक है, ट्राई करेंगे थोड़ा अच्छा देने की। आज बीमार में वर्कआउट कर ली इतनी बढ़िया, तो कल अच्छी बॉडी में तो हो ही जाएगी। भाई कोई बात नहीं, होता है, हम इस वर्कआउट की कसर अगले वाले वर्कआउट में निकालेंगे बहुत अच्छे से। आज हमारी बॉडी ने बोला है कि आप चाहकर भी अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज हमारा मन नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था जो ये दर्द हो रहा है वो चला जाएगा इजीली, बट ये बढ़ ही गया जाने की जगह, थोड़ा फीवरिश हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, फिर भी करके जाएंगे वर्कआउट, ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कआउट छोड़ दिया। तो भाइयों आज का वर्कआउट नॉट एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था कि यार आज बहुत तगड़ा पंप मारेंगे, बट कोई बात नहीं, हो जाते आए। और अब जाके मैं सबसे पहले जिम जाऊंगा अपने आरके फिटनेस में द्वारका वाले में, और वहां पर एक पैरासीटामोल लूंगा जिससे शायद ये फीवर जो है वो उतर जाएगा। उसके बाद शायद बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, फिर नहाऊंगा, फिर देखूंगा आगे क्या करना है। चलो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो भाइयों पहुंच चुके हैं बुखार में अपने बेस्ट जिम इन इंडिया में, आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री, EXON4। हाँ हाँ वही है मेरे को, फ्लेक्सोन फॉर फीवर। यस फ्लेक्सोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, खाता हूँ अभी, मन नहीं है कुछ भी।
तो भाइयों अपनी लास्ट मील ले रहा हूँ आज, खाने का भी ज़्यादा मन नहीं है, पैरासीटामोल ली है, एटलीस्ट मेरी बॉडी से जो पेन था वो चला गया है, मुझे पता था एक पैरासीटामोल लगेगी। बाकी भाइयों अगली वीडियो में आपको बहुत तगड़ा दिखूंगा। और आज है ना, एक मुकेश सर ने बहुत अलग बात बोली कि अगर ऐसा बॉडी फ्रेम हो के भी बॉडी नहीं बनाई जा सकती तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत में कमी है। तो ऑब्वियसली अब थोड़ा बहुत अगर मैं कहीं लैक कर रहा था उसे भी मैं ठीक कर दूंगा आगे जाके। और देखना भाइयों अगले 4 हफ्ते में बहुत तगड़ा मिलूंगा आपको। आज की मेरी फिजिक अपडेट देख लो, मैंने मेहनत बहुत कर रखी है अभी भी, पर ये इनफ नहीं है जिस लेवल का कंपटीशन हम खेलने जा रहे हैं। बाकी भाइयों ये है मील, वही गेनिंग की, चावल अंडा और कॉर्न और पीनट्स। मिलते हैं भाइयों आपसे अगली वीडियो में। अब मन कर रहा पंप मार दूँ, बॉडी में थोड़ा पेन खत्म हो गया ना। और भाइयों लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करना कि क्या लगता है आपको मेंस फिजिक क्यों इतना फेमस है इंडिया में। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत सारा प्यार। सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन दिखेगा साड़ बन जाओ तोड़ दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, 1 मिलियन हो गए, और भी करा दो भाइयों, फॉलो करो ऐसे ही सपोर्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में, टिल द नॉट पीस गेम्स।